बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं, थंबनेल देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो किस टाइप से प्रॉपर्टी होने वाली है और कहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट एक हफ्ते से यमुना के अंदर तेजी आ रही है, उस हिसाब से आज मैं दोनों प्रॉपर्टी में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि आपको इसी रेट में कहां पर प्रॉपर्टी अच्छी जगह पर मिल सकती है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट वर्सेस यमुना अथॉरिटी प्लॉट, आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक बेटर ऑप्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल डिटेल में आज आपको देने वाला हूं। और साथ ही साथ इस पूरी वीडियो में अपने साथ जुड़ने वाले हैं मनीष अरोरा जी, उनसे भी मैं आपके सामने आज पूरा हिसाब किताब यहाँ से पूरा क्लियर करेंगे कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है यमुना में आज की डेट में, और किस हिसाब से हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस हिसाब से यमुना अथॉरिटी के रेट बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आप मल्टीपल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों का बजट है, तो जितने भी एक हफ्ते से कमेंट भी आ रहे थे उन लोगों को भी आज इस वीडियो के माध्यम से रिप्लाई मिल जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो हो सकता है कि लंबी हो जाए, तो यार वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट के अंदर ब्रोकर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे होंगे, या फिर रेट को लेकर बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे होंगे, उसी से रिलेटेड आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हेलो, सो दोस्तों अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ मनीष अरोरा जी। तो अभी अब मैं इससे बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिनके बारे में आपको पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहला जो कमेंट हम स्टार्ट करते हैं वो है अभी लेटेस्ट जो अभी 15 मिनट पहले का ही आया, तो हम यहीं से शुरू करते हैं और फिर लास्ट तक जाएंगे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट होंगे और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो पहला कमेंट अपने स्टार्ट करते हैं मनीष जी, 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट 7C और 7D में आज की डेट में क्या रेट का मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अभी सोनू जी ने पूछा है कि 7C और 7D के बारे में, आज की डेट में अगर आप इसके अंदर अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेते हैं तो वो आपको 1,30,00,000 रुपये के आसपास मिलेगा जर्नल। अगर आप लोकेशन में जाते हैं, लोकेशन आपको लगभग मान के चलिए 1,60,00,000 तक अनरजिस्टर्ड मिलेगा। जो प्लॉट रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो आपको 1,40,00,000 के आसपास जर्नल, और लोकेशन वाला लगभग मान के चलिए आपको 1,65,00,000 तक मिलेगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट कमेंट जो हुआ काफी इंटरेस्टिंग कमेंट है, क्योंकि इसी टाइप से जितने भी हमारे अलॉटी हैं, अलॉटी भाई हैं, उनसे क्या होता है कि डायरेक्ट जितनी भी कॉल्स जाती है, फोन कॉल्स जाती है पूरे दिन में उनके पास, तो अलग अलग तरीके के ब्रोकर जो रेट बताते हैं आपको, और किस टाइप की प्रॉपर्टी या लोकेशन की प्रॉपर्टी है या फिर जनरल प्लॉट है, तो आपको हर तरीके का बिल्कुल लो रेट आपको बता के चलेंगे और वो फिर आपसे उठा के अच्छे खासे रेट में वो निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है, सर आई हैव ए रजिस्टर्ड प्लॉट पार्क फेसिंग इन सेक्टर 18-3A, सम डीलर इज कॉलिंग मी एंड आस्किंग टू सेल इट एट प्राइस ऑफ 1,55,00,000 रुपए। तो जिन्होंने भी ये प्राइस लगाया, तो मैं मनीष जी से जानना चाहूंगा कि आज की लास्ट वीकेंड की सिचुएशन के हिसाब से किस तरीके से रेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं और क्या फायदा है इसमें रेट में अगर यहाँ पे यमुना में प्रॉपर्टी लेते हैं, तो कमेंट का जवाब देंगे। जैसे कि अभी सोनू जी ने पूछा 3A के बारे में, 3A में जो पार्क फेसिंग रजिस्टर्ड का प्राइस पूछ रहे हैं वो 1,55,00,000 जो भी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। इसका प्राइस आज की डेट में 1,60,00,000 रुपए है। लोकेशन अगर बढ़िया है तो इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इस समय में आपका यमुना के अंदर में रेट बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियो में अपने बार बार आपसे कहा, अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यमुना में कीजिए, बट अब यमुना के रेट आज की डेट में 30,00,000 रुपए से 40,00,000 रुपए तक अप हो चुके हैं, तो उसी हिसाब से इतनी तेजी ठीक नहीं है। जो एकदम इतनी तेजी चलेगी तो ये मार्केट क्रैश होने की भी उम्मीद है, तो इसीलिए अब आप जो है यमुना के अंदर थोड़ा सोच समझ के अब इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि इतना प्राइस बढ़ रहा है जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है कि यमुना के अंदर कैसी डेवलपमेंट है, क्योंकि यमुना में अभी समय लगेगा थोड़ा, उसको कंपैरिजन करते हुए अगर आप देखते हैं ग्रेटर नोएडा का प्राइस और यमुना का प्राइस करीब करीब अब ये प्राइस बराबर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि अगर आप यमुना के अंदर में प्रॉपर्टी खरीदते हैं 300 मीटर की, तो आप ये मान के चलिए कि आपको लोकेशन का अच्छा प्लॉट लगभग 1,65,00,000, 1,70,00,000 जैसी जिसकी लोकेशन, 1,80,00,000 भी है, 1,85,00,000 भी है, तो आपको तकरीबन ये मान के चलें 2,05,00,000 या 2,10,00,000 में 250 मीटर का बिल्डअप हाउस ग्राउंड फ्लोर बना हुआ बहुत ही अच्छी स्थिति में ओमिक्रॉन 1A में और ओमिक्रॉन 2 में अवेलेबल है।
आप चाहें तो आप ओमिक्रॉन की विजिट कर सकते हैं, टोटली डेवलपमेंट सेक्टर है, पूरा डेवलप हो चुका है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, 130 मीटर वाइड रोड के साथ लगता हुआ ये सेक्टर है। तो दोस्तों नेक्स्ट कमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट जो अपने पास है वो है हाइसेंस सेक्टर 18 ब्लॉक 8 में इंफॉर्मेशन का वीडियो कब तक आप बनेंगे या फिर ये पॉकेट 8 का जो डेवलपमेंट है वो आप कब तक दिखाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी आपका कमेंट में भी रिप्लाई दे देता हूँ साथ के साथ ही कि मैं बहुत ही जल्दी इसमें कोशिश करूंगा पॉकेट 8 के लिए। काफी ज्यादा और भी कमेंट है अपने पास जिनका मतलब रिप्लाई देना बाकी है या फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, तो इसका बहुत ही जल्द आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। सो नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो यहाँ पे सर जे पॉकेट के अंदर रजिस्टर्ड प्लॉट का आज की डेट में जनरल प्लॉट का क्या रेट हो सकता है, ये अभी मनीष जी से जानते हैं। जैसे कि आपने जे ब्लॉक के बारे में पूछा है तो जे ब्लॉक में आपको पास जो है जर्नल जो है अपना रजिस्टर्ड प्लॉट आज की डेट में आपको मिलेगा 160 से 165 के बीच में। कारण क्या है कि सबसे पुराना सबसे लोकेशन वाला 7A के बाद आई और जे ही है, क्योंकि आई और जे ब्लॉक जो है बिल्कुल स्टार्टिंग पे 24 मीटर रोड से जैसे ही आप यमुना में एंट्री करते हैं ये सबसे आपको टक्कर पे पड़ने वाले हैं और सबसे बढ़िया लोकेशन पे हैं। इस कारण से इनका रेट और जो पॉकेट है उनसे 10 लाख रुपए अप ही रहता, डाउन नहीं रहता। और बाकी जो है अगर आप आई और जे को देखते हैं तो 7A आई जे सबसे अच्छे पॉकेट माने जाते हैं ये यमुना के। आप अगर सस्ते में जाना चाहते हैं तो सस्ते में आज की डेट में पहले ही बता चुका हूं कि आपको आज की डेट में अनरजिस्टर्ड प्लॉट जो है 130 से स्टार्ट होगा, वो भी आपको एन ब्लॉक में मिलेगा। और अच्छे किसी ब्लॉक में जाते हैं आप तो आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी 1 करोड़ 35 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलने वाला अनरजिस्टर्ड प्लॉट। और रजिस्टर्ड में जाते हैं तो लगभग अब मान के चलिए रजिस्टर्ड आपको 140 से 145 के बीच में मिलता है अदर सेक्टर के अंदर। और इस रेट में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप P4 देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा का, जिसके अंदर 200 मीटर भी हैं 300 मीटर भी हैं, तो आप ये मान के चलिए आपको जो 200 मीटर है वो लगभग 160 के आसपास, यानी कि 160 के आसपास 200 मीटर मिलता है प्लॉट और कंप्लीशन सॉरी। और उसके अलावा 300 मीटर लेते हैं तो ये आपको 210-220 के आसपास मिलता है। तो कंप्लीशन हो चुके हैं, यहाँ कोई पेनल्टी का डर भी नहीं है, लोकेशन बहुत अच्छी है P4 की, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा अभी देखिए डेवलप होने में यमुना के अंदर कम से कम अभी आपको 10 वर्ष का समय चाहिए। 10 वर्ष के अंदर में एक स्थिति वो आएगी जो रहने लायक हो पाएगी। अगर आप आज की डेट में रहना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा सबसे बेस्ट है। तो नेक्स्ट कमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सर हमारे शैलेंद्र सिंह जी ने अभी यहाँ पे कमेंट किया, ये अपना वैसे नाम भी जो काफी कॉमन है अपने लिए, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें इस नाम के साथ भी जुड़ी हुई है अपनी लाइफ में भी। तो अगर मैं बात करूं इनके कमेंट के बारे में तो मार्केट अगर टूटा तो 300 मीटर का 1 करोड़ तक मिल सकता है क्या? तो मनीष जी इस बात का जवाब दीजिए, काफी इंटरेस्टिंग ये कमेंट मुझे लग रही है। देखिए 1 करोड़ तक तो नहीं मिल पाएगा खैर, हाँ ये है कि जैसे मार्केट देखिए आप हो रही है आप कोई नेचुरल तरीके से नहीं हो रही है, ये जैसे कि कहते हैं गैम्बलिंग सट्टाबाजी उस तरीके से रोज नए भाव खुलते हैं, हर 2 घंटे में कभी 2 लाख बढ़ रहा है कभी 1 लाख बढ़ रहा है, हर डे में 5 लाख, तो ऐसे इतनी स्थिति में रेट नहीं बढ़ता है। और आने वाले समय में जब ये मार्केट गिरेगी या मार्केट का डाउनफॉल शुरू होगा तो उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो इन्वेस्टर का होगा और जो प्रॉफिट में रहेंगे वो फाइनेंसर्स रहेंगे। बस हम तो यही कहना चाहते हैं। बाकी यह है कि अगर आप आज की स्थिति में देखते हैं कि अगर मार्केट गिर जाती है तो बहुत ज्यादा करके 15 से 20 लाख रुपए का प्लॉट पे अंतर आएगा और कुछ नहीं आएगा। सो नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे विमल नेगी जी ने यहाँ पे कमेंट किया है, सेक्टर 20 500 स्क्वायर मीटर का क्या प्राइस चल रहा है आज की रेट में और क्या डेवलपमेंट है पॉकेट टी? तो मनीष जी इसके बारे में बताइए, डेवलपमेंट तो ऑलमोस्ट आप वीडियो में देख चुके होंगे कितना भी डेवलपमेंट है, काफी सारी वीडियो डाली हुई मैंने सेक्टर 20 के बारे में, तो कोई खास ज्यादा बदलाव है नहीं डेवलपमेंट के अंदर, बाकी इसमें क्या प्राइस चल रहा है वो हम मनीष जी से जानते हैं। आज की डेट में अगर टी ब्लॉक में आप टी पॉकेट में रेट के बारे में पता करते हैं तो आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट जो है आज की डेट में 230 से 235 तक मिलेगा और रजिस्टर्ड प्लॉट लेने जाते हैं तो आपको आज की डेट में 245 से 250 के बीच में मिलेगा। अगर आप लोकेशन में जाते हैं तो ये मान के चलिए आपको 235 से लेके
और 3 करोड़ रुपए के प्लॉट तक हैं यहाँ पर जो लोकेशन वाइज हैं। और बाकी अब तो ये स्थिति हो रही है, जो रेट्स मैं बता रहा हूँ ये कम रहेंगे या इससे डबल हो जाएंगे कोई पता नहीं। इसीलिए मेरी तरफ से सजेशन है, जो हार्ट प्रॉब्लम के इन्वेस्टर हैं वो अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि तो अगर मार्केट डाउन गई तो शायद उनको झटका लग सकता है। ये हिसाब से देखते हैं, और आप ग्रेटर नोएडा आते हैं तो आपको ग्रेटर नोएडा में जो है आज की डेट में आप लेना चाहते हैं तो आपको 300 मीटर का सिग्मा के अंदर, सिग्मा फर्स्ट के अंदर लगभग मान के चलें 2.10 से 2.20 के बीच में कंप्लीशन बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल डेवलप्ड है और हर तरीके से पेरिफेरल से बिल्कुल नज़दीक है, परीचौक से बिल्कुल नज़दीक है, मेट्रो साथ में ही है, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात लोकेशन ये है कि स्वर्ण नगरी भी उसके नियरेस्ट है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपको आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जो है सिग्मा में भी कर सकते हैं। थ्री तुम्हारा जो नेक्स्ट कमेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा उनका क्वेश्चन भी होता है आज के डेट में इन्वेस्टर का, तो इसमें हम बात करेंगे। सर, ग्रेटर नोएडा 30 प्लॉट और यमुना 30 प्लॉट में विच आर गुड फॉर इन्वेस्टर एंड यूजर, यानी कि एंड यूजर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बेटर है, या तो हम ग्रेटर नोएडा सजेस्ट करें या फिर यमुना 30 सजेस्ट करेंगे, तो मनीष जी से जानते हैं क्योंकि 30 साल पुराना एक्सपीरियंस है, अच्छे से रिव्यू आपको यही दे पाएंगे। जैसे कि सोनू भाई ने भी कहा कि एंड यूजर के लिए, तो देखिए एंड यूजर के लिए तो फिर ग्रेटर नोएडा ही बेस्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज की डेट में देखें पॉपुलेशन के मामले में ग्रेटर नोएडा बहुत बढ़िया होता जा रहा है, और आज की डेट में लगभग 70% के आसपास जो है आबादी पूरी आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी है। अभी आप देखेंगे तो यमुना में आप ठीक से अगर मान लीजिए आप अपना कंप्लीशन भी बनवाने जा रहे हैं और आपको लंच के लिए कुछ चाहिए तो वहाँ आपको इतना बेस्ट फूड नहीं मिलेगा। आप ग्रेटर नोएडा में किसी भी तरीके का किसी भी क्वालिटी का आप बेस्ट फूड ले सकते हैं। दूसरी बात, एजुकेशनल हब है ग्रेटर नोएडा, ये सभी जानते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटलिटीज सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ आपको कोई भी चीज़ लेने के लिए ग्रेटर नोएडा से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ग्रेटर नोएडा में हर चीज आसानी से मिल जाएगी, जो कि आपको अभी यमुना में नहीं मिलने वाली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि क्या सही समय है सर आज की डेट में यमुना में इन्वेस्टमेंट करने का, आज हम इस रेट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जिस तरीके से आपने पूछा है मेरे से कि ये इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है। उसका कारण यह है कि जिस तेज़ी से रेट बढ़ रहे हैं, आज आप अपना विचार बनाएंगे कि आपको प्रॉपर्टी जो है परचेज करनी है, बाय करनी है, और आपको पता लगेगा आज 170 का रेट है, कल आप प्रॉपर्टी लेने गए तो 180 का रेट, इतनी तेज़ी से रेट नहीं बढ़ते। यहीं पर मैंने 2020 के अंदर में यही 300 मीटर की प्रॉपर्टी 30 लाख रुपये में लोगों को दिलवाई है, और वही प्रॉपर्टी आज 3 साल बाद सेम टाइम पे आप ये देखिए कि कहाँ जा रही है। तो इस तरीके से इतनी तेजी से रेट बढ़ने का मतलब यह है कि ये आगे डाउनफॉल आना ही आना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप आज की डेट में ग्रेटर नोएडा कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में रेट्स धीरे धीरे बढ़ते हैं, और दूसरी बात मार्केट वैल्यू के हिसाब से बढ़ते हैं। आप ये मान के चलिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप ग्रेटर नोएडा के अंदर में कर रहे हैं तो आपको 3 इयर्स या 4 इयर्स के अंदर उसका जो है डबल अमाउंट मिल जाएगा। बट यमुना अभी देखिए आप, अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि इंक्रोचमेंट में है, और वो इंक्रोचमेंट में ऐसे हैं और उसके बाद में फिर क्लियर प्लॉट आ जाता है, अब उस इंक्रोचमेंट की वजह से वहाँ रोड नहीं है, तो बताइए आपको अथॉरिटी तो लेटर दे रही है, आपको जो है लीज डीड करा चुके हैं कि आपको कंस्ट्रक्शन कराना है, जब आपका कोई व्हीकल ही वहाँ पर नहीं पहुँच सकता तो आप किस तरीके से कंप्लीशन बनाएंगे। दूसरी बात, अभी लाइट नहीं है, लाइट की कहते कहते अभी सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कहा था लाइट हर तरीके से ये मई में और जून में दे देंगे, बट लाइट अभी नहीं है। काम हो रहे हैं लेकिन काम की गति बहुत ही धीमी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आज की डेट में आपको रेट जो है हिसाब से देखते हैं, रेट्स के हिसाब से देखते हैं और इन्वेस्टमेंट ऑफ यू के हिसाब से देखते हैं, तो मैं तो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ ग्रेटर नोएडा। बाकी देखिए आप जैसे अपने विवेक से सोचते हैं, जिस हिसाब से सोचते हैं आप उस तरीके से करिए, लेकिन फायदा आपका ग्रेटर नोएडा ही होने वाला है, यमुना में नहीं।
क्योंकि रेट्स इतने ऊपर जा रहे हैं, जबकि रेट्स का एक लेवल होता है, धीरे धीरे रेट्स बढ़ते हैं तो समझ में आता है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि आज 1.20 है तो आज 1.80 हो गया, 10 दिन 15 दिन के अंदर 60 लाख बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, तो ये मैं नहीं मानता। और बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ग्रेटर नोएडा देख सकते हैं, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती, आप देख लीजिए। तो दोस्तों आई होप अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इसके माध्यम से, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन भी रहा है इस चीज़ को लेके। ऑलमोस्ट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मोस्ट वैल्यूएबल कमेंट्स थे मैंने उनको कवर करने की कोशिश करी थी, बाकी बहुत सारे कमेंट और भी है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उनको उसमें आपको क्लियरली जवाब मिल जाएगा उस चीज़ का, क्योंकि अगर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है और लंबी हो जाती है तो इसी वजह से मैंने कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग इतना टाइम देखते भी नहीं है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इतनी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको पूरी डिटेल आपको जानकारी दे दी है कि भाई ग्रेटर नोएडा बेटर है या फिर यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी पर आज की डेट में, क्योंकि रेट जिस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं ना उस हिसाब से यार ग्रेटर नोएडा के अंदर एक बेहतर सेक्टर के अंदर आप प्रॉपर्टी ले सकते हो अगर आप इन्वेस्टर हो तो। अगर आप रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ग्रेटर नोएडा ही बेस्ट है, क्योंकि आप रहने के बिल्कुल रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देखते हो तो आप बिल्कुल आप इंस्टेंटली आप बना के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा के रह सकते हो और आसपास सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे पूरे सेक्टरों के अंदर देखने को मिल जाती हैं। बाकी यमुना की अगर बात करें तो यमुना के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि टाइम लगेगा जिस हिसाब से रेट की यहाँ पे तेज़ी हो रही है उस हिसाब से बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि एंड यूज़र के लिए कोई बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे ज़्यादातर फाइनेंशियली बेनिफिट में होगा या फिर जो अभी करंट में लोग सेल कर रहे हैं अलॉटी हैं जो इस रेट में अच्छा पैसा जो बना के ले जा रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के बारे में तो देखो ग्रेटर नोएडा ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और इस रेट में जिस हिसाब से 300 मीटर का रेट आज की डेट में चल रहा है तो वो नियर बाई ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी वाले सेक्टरों में भी आपको इस साइज में, इससे बड़े साइज में भी आपको इस रेट में आपको आसानी से प्लॉट मिल जाते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट आपको करना है, आप उस तरीके से आप देखिए कहाँ पे आपको अच्छा लगता है, या फिर एंड यूज़र हैं आप, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग बजट के हिसाब से आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपना काम था जेन्युइन रिव्यू देने का, तो मैंने जेन्युइनली इसमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ी वीडियो में मेहनत तो लगी है, लेकिन आई होप के सभी लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा कि आज की डेट में हर घंटे 2 घंटे 3 घंटे पे यार रेट अपडेट होते जा रहे हैं यमुना के अंदर, तो इस तरीके से नहीं होता है, ये बैलून है कभी भी फट सकता है जो कि, और इसमें जो इनिशियली आज की डेट में जो इन्वेस्टर है हो सकता है उसको लॉस भी आ जाए, तो आप बहुत ही सोच समझ के आज की डेट में यमुना में इन्वेस्टमेंट करो। बाकी इसके लिए आप अदर प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इंक्वायरी कर सकते हो। यमुना के अंदर और अदर भी ऑप्शन है, इसमें फ्री होल्ड भी है, 7% किसान कोटा भी है, और एग्रीकल्चर और भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है जिसमें आप कॉमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही कवर करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही इन्फॉर्मेशन और एक नई अपडेट के साथ। इसी तरीके से मैं अपना आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, और एक बार आप ऑफिस विजिट करो, उसके बाद आप यहाँ पे पूरा लोकेशन देखो, ग्रेटर नोएडा के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे सेक्टर हैं, उसी प्रॉपर्टी रेट में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बिल्डअप हाउस भी मिल जाते हैं, तो आप एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करो जहाँ आपका पैसा बिल्कुल एकदम सेफ भी हो और यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी है ग्रेटर नोएडा के अंदर, क्योंकि उसमें तो अब ये मान के चलो फाइनेंसर ने बहुत ज़्यादा इसमें रेट बढ़ा दिए हैं तो इसमें अब हमारे हाथ में है नहीं। बहुत सारे लोग मुझे लास्ट वीक से कमेंट कर रहे थे भाई इस रेट में मिल जाएगा, इस रेट में मिल जाएगा सोनू भाई, इस रेट में मिल जाएगा, लेकिन आई एम सो सॉरी कि मैं आपको उस रेट में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अपने पास कोई इसलिए जितनी भी डायरेक्टली इन्वेंट्री थी वो सोल्ड हो चुकी थी, अब अपने पास मार्केट का माल है उसमें अब देखो जिस हिसाब से मार्केट में रेट बढ़ रहा है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि किसी अपने क्लाइंट को मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा यमुना के अंदर। बाकी आप आएँ ग्रेटर नोएडा के अंदर, इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बाकी अपना ऑफिस जो काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है आप सामने भी देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैमरा बदल के। अब ये आप व्यू देख के डिसाइड करो कि भाई आपको ऐसे शहर में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर यमुना के अंदर करना है। ये तो मैं डेल्टा वर्मा अपने ऑफिस से ही बाहर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख पा रहे होंगे ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बिल्डिंग है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी जगह आपको यहाँ पे मिलेगी, काफ़ी अच्छे सेक्टर आपको मिल जाते हैं, फुली गेटेड सोसाइटी की तरह आपको मिल जाते हैं, मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, वो सारी चीज़ें सेक्टर के अंदर ही आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आप ग्रेटर नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपको इस रेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जंगल में बिल्कुल मत जाओ, आप यमुना के अंदर बहुत समय लग जाएगा उस चीज़ में, लेकिन अभी ग्रेटर नोएडा का आप माहौल देख सकते हैं, काफ़ी प्यारी लोकेशन आपको यहाँ से देख भी रही होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग ही इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, बाय।